लेकिन जब कुछ लोग, नियमित लोग, जब हमें बड़ा ही जोर दे के कहते हैं ये नियोजित हैं या कॉन्ट्रैक्चुअल हैं, तो इसे हम कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा मर्माहित होते हैं। हम लोग कितने परिश्रम से टेट की परीक्षा दे के पूरा करके आए हैं और बच्चों को स्कूल में सर्वे करवा ली सरकार कि टेट शिक्षकों के आने से कितनी व्यवस्था सुधरी है उनकी, ये नहीं सरकार देखती है, बस देखती है कि हम इतना दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, भीख दे रहे हैं हमको। नीतीश कुमार जी का कभी मुँह ही नहीं खुलता है कि वो टेट शिक्षकों की बात करें, क्योंकि टेट शिक्षकों की जैसे ही बात करेंगे तो पारा 78 के चक्कर में फंस जाएंगे। फिलहाल तो बिहार में शिक्षकों का जो दुर्दशा है, मैं तो कहूँगा कि कोई भी बच्चा शिक्षा लाइन में नहीं आए। कहते हैं कि हमारा फंड, हमारे पास फंड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो इसलिए हम लोग भीख मांग रहे हैं कि लीजिए विधायक को देने के लिए, पेंशन देने के लिए, अपना ऐश-रोज करने के लिए। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूँ गरिमा भारती। बिहार में शिक्षक लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने हक के लिए सरकार से कई मांगे कर रहे हैं। आज पटना रेलवे स्टेशन पर जमा हुए हैं टीटी शिक्षक संघर्ष समिति के कुछ शिक्षक हैं जो कि भीख मांग कर अनोखा प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका मानना है कि जो भीख जमा होगी वो सरकार को देंगे और कहेंगे कि इससे बिहार का विकास करें, अगर आप हमारा वेतन नहीं दे सकते तो हम भीख मांग कर आपको देंगे। हमने कुछ लोगों से बात की है, लेकिन कुछ महिलाएं भी हैं, कुछ महिला शिक्षिका हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे कि इतना प्रदर्शन कर रही हैं, किस तरह से दिनचर्या किस तरह का होता है आपका, इतने लंबे समय से प्रदर्शन चल रहा है, घर में किस तरह की परेशानियां होती है, शिक्षकों की क्या परेशानियां वो तो सबको ही जान रहे हैं, महिलाओं को किस तरह की परेशानियां हो रही हैं। महिलाओं को मेन रूप से देखिए, हम लोग अपने शिक्षण कार्य को बाधित करना नहीं चाहते थे, बट ये बहुत बड़ी मजबूरी है हमारी कि हम लोगों को सड़कों पे निकलना पड़ा या ये हम लोगों को प्रोग्राम करना पड़ा कि हमारी बातों को सुना जाए, तो ये सबसे ज़्यादा दुखदाई है हम लोगों के लिए कि हम लोग अपने कार्य को छोड़ के BRC में बैठते हैं और अपने मांगों को रखते हैं बिना ही किसी शोर शराबे के, शांतिपूर्ण ढंग से। जी, आपका नाम क्या, आप कहाँ से आई हैं? मैं अथमल गोला से, और मेरा नाम है रेनू बाला। आप वहीं पर पोस्टेड हैं? जी। अपना नाम बताइए और कहाँ से आई है, कहाँ पर पोस्टेड हैं? मैं पटना से आई हूँ, पोस्टेड हूँ अथमल गोला। अच्छा। और मेरा नाम हुआ किरण कुमारी सिन्हा। इतने लंबे समय से आप लोग लगातार मांग कर रही हैं, प्रदर्शन भी कर रही हैं, कितनी परेशानी होती है एक महिला होने के नाते, शिक्षिका होने के नाते, घर स्कूल कैसे संभलता है? देखिए, जब हम शिक्षण कार्य के लिए जब हम घर से बाहर निकले तो उसके लिए हम मानसिक तौर पर तैयार होकर निकले, और यह हमारी बढ़ाई कह सकते हैं या हमारा बड़प्पन कह सकती हैं कि हम दोनों ही काम को बखूबी निभा लेते हैं। हम कभी रोने नहीं जाते हैं कि हमें ये परेशानी हो रही है, वो परेशानी हो रही है। लेकिन अभी का सिनेरियो कैसा है? अभी तो का सिनेरियो पर हैं आप, इस हड़ताल से हम तो कहीं ना कहीं मर्माहत हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से हमारे बच्चे सफ़र कर रहे हैं, उनके अंदर जो शिक्षा के प्रति, पढ़ाई के प्रति जो उनकी तल्लीनता थी, वो उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है, बच्चे निराश हैं, इस बात से तकलीफ होती है। लेकिन जब बात होती है, जब हमें नियोजित जैसे बड़े ही कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर कह के जब हमें अपमानित किया जाता है, जो समान काम समान वेतन की जो लड़ाई है, ये इसका सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि कम काम हम कहीं कम नहीं कर रहे हैं या हमारे काम में तल्लीनता कहीं में कमी नहीं है, लेकिन जब कुछ लोग, नियमित लोग, जब हमें बड़ा ही जोर दे के कहते हैं ये नियोजित हैं या कॉन्ट्रैक्चुअल हैं, तो इससे हम कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा मर्माहित होते हैं, और हम यही चाहते हैं, सरकार से हमारी यही गुजारिश है कि कम से कम हमारे सर से वो जो ऐसा लगता है मानो कि वो टैग हट जाए, ऐसा लगता है मानो हमने कोई बहुत बड़ा गुनाह किया हुआ है। आपने नाम बताया? श्वेता। कहाँ से आई? अथमल गोला। अथमल गोला पटना से आई हूँ, पोस्टिंग अथमल गोला है। कैसा रहता है दिन आजकल जब प्रदर्शन पर निकलती है, सड़कों पर निकलती है, तो ये परेशानी कितनी होती है? परेशानी तो बहुत है, लेकिन उस परेशानी को हम लोग उतना नज़रअंदाज करते हैं मैम, और लगता है कि चलो इस परेशानी का कुछ पॉजिटिव रिजल्ट निकले। मतलब और क्या, कब तक चलेगा, कब तक ये तो कुछ पता नहीं है, जब तक रहेगा हम लोग तो साथ में ही रहें, मतलब जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, दर्जा नहीं मिल जाता है, क्योंकि हम लोग को सहायक शिक्षक का दर्जा
मुआवजा नहीं मिल जाता और हम लोग की जब जो भी नियुक्ति हुई थी वो नियुक्ति हुई थी, नियोजन नहीं हुआ था, लेकिन हम लोग को वो नियोजन में डाल दिया गया। सैलरी भी हम लोग को कम मिलता है और जब भी सरकार बात करती है 1500 से 30,000 की बात करती है। बीच में ये संवर्ग भी है, हम लोग का ये संवर्ग, हम लोग कितना कॉम्पिटिशन मतलब टफ कॉम्पिटिशन पास करके आए हैं लेकिन हम लोग का कोई सुनवाई नहीं, कहीं नहीं होता है। देश में कोई ऐसा बात नहीं है जहाँ पर अपना नाम बताइए। जी शोभा राय, डुमराव से हैं हम। जी शोभा राय और डुमराव से हैं हम। सरकार सबसे योग्यता पूछती है लेकिन अपने विधायकों से एक बार भी योग्यता नहीं पूछती है। हम लोग कितने परिश्रम से टेट की परीक्षा देके पूरा करके आए हैं और बच्चों को स्कूल में सर्वे करवा ली सरकार कि टेट शिक्षकों के आने से कितनी व्यवस्था सुधरी है उनकी, ये नहीं सरकार देखती है। बस देखती है कि हम इतना दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, भीख दे रहे हैं हमको, हमारा अधिकार तो दीजिए कम से कम। सहायक शिक्षक का दर्जा हमें दें, हमें वेतन वृद्धि से कोई मतलब नहीं है और टेट संवर्ग को अलग करें। बिहार सरकार द्वारा बहुत बड़ा घोटाला भी किया गया है मैडम। हम कहना चाहेंगे कि केंद्र सरकार से हमें केंद्रांश जो 22,500 रुपया मिलता है वो भी सरकार हमें नहीं दे पाती है, ऊपर से इसी में से काट कर तरह तरह की योजनाएं चलाती है। तो आज हम सारे शिक्षक अपने पारा 78 के समर्थन में आए हुए हैं यहाँ पर और सरकार को, जो आज के डेट में राज्य के सबसे बड़े भिखारी हैं, सबसे बड़े भिखारी नीतीश कुमार, क्योंकि उनके पास वित्तीय संकट का रोना हमेशा रहता है और हम बार बार कह रहे हैं कि हम उन 4.5 लाख शिक्षकों में हैं ही नहीं, हमारी संख्या मात्र 1,25,000 है और हम सहायक शिक्षा शिक्षक का दर्जा लेने का अधिकार रखते हैं, हमारे पास उसकी योग्यता है, तो वो हमारा दूसरे स्टेट्स में दे दिए गए हैं, अभी अभी केजरीवाल सरकार ने भी दिया है दिल्ली में, लेकिन इनके पास इनका मुंह ही नहीं खुलता है। नीतीश कुमार जी का कभी मुंह ही नहीं खुलता है कि वो टेट शिक्षकों की बात करें, क्योंकि टेट शिक्षकों की जैसे ही बात करेंगे तो पारा 78 के चक्कर में फंस जाएंगे। और जहाँ तक आप हमारी समस्याओं की बात करती हैं मैडम, घर में जाते हैं बच्चे, कभी कुछ मांग लेते हैं अगर हम लोगों से, ये कह देते हैं कि पापा आज हम आपको ये चीज़ ड्रेस लाने के लिए बोले थे, जूता लाने के लिए बोले थे, स्कूल में डांट पड़ रही है जूते ड्रेस के लिए, तो हम लोगों का मुंह बंद हो जाता है, हम लोग असमर्थ हो जाते हैं, असमर्थ चपरासी से भी ज़्यादा हम लोग असमर्थ हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं, बच्चों के सामने हमें सर झुकाना पड़ता है। तो आज बच्चों को सलाह देंगे कि कभी शिक्षण के क्षेत्र में जाएं। फिलहाल तो बिहार में शिक्षकों का जो दुर्दशा है, मैं तो कहूँगा कि कोई भी बच्चा शिक्षा लाइन में नहीं आए। टेट 27 लाख लड़कों में हम लोग पास करके आए मैडम, हम लोगों में क्वालिटी है, दूसरे स्टेट को भी दे दिया गया। 27 लाख में मात्र 2.5% रिजल्ट हुआ हम लोगों का, लेकिन अभी चपरासी से भी कम पेमेंट किया जाता है। 4 महीना पहले तक मात्र 17,000 रुपया में हम लोग काम चलाए हैं। क्या मैडम सोचने वाली बात है कि 17,000 में क्या बाल बच्चों को पाला जा सकता है? मैं तो भविष्य में कहूँगा कि कोई भी बच्चा शिक्षक लाइन में बिल्कुल ही ना आया, कम से कम बिहार में, दूसरे स्टेट में शिक्षा लाइन में जाए लेकिन बिहार में नहीं। मेरा नाम मधु है, मैं कहाँ से आई है? बक्सर से आई है। तो इतनी दूर आई, मतलब परेशानी कितनी होती है? करता मरता क्या ना करता, बस हम मर रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ आए हुए हैं। बच्चे हैं? जी हाँ, मेरे 2 बच्चे हैं। वो कैसे संभाले? अब क्या बताऊँ मैं, कैसे संभाला जाता है? सुबह 7 बजे ही निकलो, ट्रेन पकड़ो, उसके बाद अपने डुमराव पहुँचो, तो भी समय से ना पहुँचो तो सरकार अफसरों का डांट सुनो, जो प्रधानाध्यापक है उनका डांट सुनो, फिर शाम को वहाँ से पहुँचो, 4 बजे छूटो, यानी 9 से 4 हमारी ड्यूटी हो जा रही है। इतना हम काम करने के बावजूद हमारा वेतन जो है इतना कम है, जबकि हर आहर्ता हर चीज़ का पालन करके हम यहाँ पे आए हुए हैं। 26 लाख लोगों में से मान लीजिए 1.25 लाख लोग ही केवल TT पास किए, तकलीफ काफ़ी है। अपने नाम बताइए। निशा रानी, मैं डुमराव से हूँ, डुमराव मेरा विद्यालय है, बक्सर डिस्ट्रिक्ट में है। हम लोग पारा 78 के लिए आज सड़क पे आए हैं, सभी टेट शिक्षक साथी बहन लोग। हम लोग को माननीय मुख्यमंत्री जी विवश कर दिए सड़क पे उतरने के लिए, अगर हमारी मांगों को उन्होंने पहले ही स्वीकार कर लिया तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। क्या लगता है आप, तो ये भीख मांग रही है, ये जाकर नीतीश कुमार के कुछ काम आ पाएगा सरकार? वो कहते हैं कि हमारा फंड, हमारे पास फंड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो इसलिए हम लोग
भीख मांग रहे हैं कि लीजिए, विधायक को देने के लिए, पेंशन देने के लिए, अपना ऐश रोज करने के लिए, हमारे लिए पैसा नहीं है, जबकि ज्यादा हम काम करते हैं विधायकों के लिए पैसा है। एक बार जो विधायक बन जाता है आजीवन उसका पेंशन परमानेंट हो जाता है, और हम लोग अपना नहीं रिटायर हो जाता है तो उसको क्या मिलता है? तो तकलीफें काफ़ी हैं, महिलाएं भावुक हो रही हैं, इतना मेहनत कर रही हैं, पढ़ाती हैं, फिर घर को संभालना, बच्चों को संभालना, उसके बाद लंबे समय से सड़क पर रहना काफ़ी तकलीफदायक है इनके लिए। सरकार से काफ़ी गुस्सा दिख रहे हैं ये लोग, भीख मांग कर सरकार को देना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि अगर आपके पास फंड नहीं है तो हम आपको देते हैं, लेकिन हमारे सर से नियोजित शिक्षक का टैग हटा कर सहायक शिक्षक का टैग लगा दीजिए, ऐसा ये मांग कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार को कहां तक इससे फर्क पड़ता है और किस तरह की प्रतिक्रिया निकलकर सामने आती है। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जब कुछ लोग, नियमित लोग जब हमें बड़ा ही जोर देके कहते हैं ये नियोजित हैं या कॉन्ट्रेक्चुअल हैं, तो इससे हम कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा मर्माहित होते हैं। हम लोग कितने परिश्रम से टेट की परीक्षा देके पूरा करके आए हैं और बच्चों को स्कूल में सर्वे करवा ली सरकार कि टेट शिक्षकों के आने से कितनी व्यवस्था सुधरी है उनकी, ये नहीं सरकार देखती है, बस देखती है कि हम इतना दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, भीख दे रहे हैं हमको। नीतीश कुमार जी का कभी मुंह ही नहीं खुलता है कि वो टेट शिक्षकों की बात करें, क्योंकि टेट शिक्षकों की जैसे ही बात करेंगे तो पारा 78 के चक्कर में फंस जाएंगे। फिलहाल तो बिहार में शिक्षकों का जो दुर्दशा है, मैं तो कहूँगा कि कोई भी बच्चा शिक्षा लाइन में नहीं आए। कहते हैं कि हमारा फंड, हमारे पास फंड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो इसलिए हम लोग भीख मांग रहे हैं कि लीजिए, विधायक को देने के लिए, पेंशन देने के लिए, अपना ऐश रोज करने के लिए।